दोस्तों, जिस काली घोड़ी का जंगल की जिस मैं बात कर रहा था, उसका नाम इस मंदिर से पड़ा। और आज सुबह 8 बजे जैसे ही निकले, ये घाट 5 किलोमीटर का शुरू हो चुका है। संघर्ष में लगे हुए हैं भैया, देखो बागे बाबा चल रहे हैं, पीछे हम अपना झोला झंडा लिए चल रहे हैं भैया। और कितने किलोमीटर है? 3-1 किलोमीटर और बचा है भैया। और वीडियो के साथ बने ही रहिए, अंत तक देखिए पूरे 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा, किस किस संघर्ष से गुजरना पड़ता है, देखते रहिए मेरे साथ विशाल ठाकुर। ये देखो बाबा तो कैसे सो रहे हैं। ओहो, क्यों भैया, क्या हो गई हो? तो ये है भैया, अति संघर्ष से ये घाट चढ़ा जा रहा है, देखते हैं क्या होता है। हैं, कुछ बोलो तो। थक गए क्या नाथ? हाँ, ये हमारा भैया टंगा हुआ है झोला झंडा, इसमें केरियल नहीं लगा पाए हम, पीठ पे भी मेरे बहुत सारा वजन है भैया। एक मिनट दिखाना, वजन दिखाओ जरा पेट पे। ये देखो, मैं विशाल ठाकुर नॉर्थ इंडिया के सामने आपके सामने फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ। और ये आप देख रहे हैं काली घोड़ी का जंगल, आशापुर जाते हुए हम लोग। आशापुर यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है, काली घोड़ी का घना जंगल। और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि यहाँ हमारे बीच पानी नहीं है, पानी की सबसे बड़ी समस्या। हमने पानी रखना भूल गए, और सबसे घना जंगल अभी तक का आपको दिखाया जा रहा है। सुनसान सड़क, आगे भी पीछे ने कोई नहीं, बिल्कुल कुछ सुनसान पूरी सड़क। ऐसी आवाज गूंज भी रही है यहाँ, बहुत ही शानदार। यहाँ पर जंगल, यहाँ पे फॉरेस्ट का एरिया पूरा, यहाँ पर अपने लॉयन भी आ सकते हैं, जंगली जानवर रोडों पे आ जाते हैं। यहाँ पर सबसे खतरनाक अब तक का जंगल जो अभी तक का हमें मिला है, यहाँ पे फॉरेस्ट वालों ने नाके के लिए झोपड़ी भी, ये देखो ये झोपड़ियाँ भी बनाई है उन्होंने, फॉरेस्ट वालों की है ये। बिल्कुल सड़क, ये देखिए आप, आगे भी कोई नहीं, पीछे भी कोई नहीं। अरे दीवाना में चला उसे ढूंढने, बड़े प्यार से दीवाना में चला। दोस्तों, अगली बार के लिए आप भी तैयार रहो, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, सबसे ज्यादा व्यूज। हाँ भाई, छुट कर, मजा आ गया। दाल चावल जैसी खिचड़ी, सर के हाथ में जादू है यार। कौन से सर? मित्र सर। अच्छा, हाँ काली घोड़ी का जंगल की जिस मैं बात कर रहा था, उसका नाम इस मंदिर से पड़ा। काली घोड़ी का जो जंगल मैं बार बार बोल रहा था, वो इस मंदिर से पड़ा उसका नाम। ये माँ काली का मंदिर बहुत बड़ा, विशाल, इस
तरफ मंदिर है और ये सब सबके यहाँ पे मन्नत भी मांगी जाती है। कई दूर दूर से आते हैं यहाँ पे लोग। प्रसिद्ध मंदिर जो मैं आपको बार बार बोल रहा था, काली घोड़ी का जंगल, ये 1985 में यहाँ पे बहुत ही घना और कोई आता जाता नहीं था। बस ये रोड भी नहीं थी, बोले भैया बता रहे थे मेरे को, यहाँ रोड भी नहीं थी और पगडंडी थी यहाँ से। और यहाँ पे एक संत थे, संत बाबा, और इस तरफ की कुटिया ये बाबा की समाधि में बनाई गई है, आना चाहिए। ये बाबा की कुटिया इस तरफ में से अंदर, ये बाबा का धुना जल रहा है, ये बाबा की समाधि। ये बाबा की समाधि यहाँ पे, ये बाबा का जलता हुआ धुपाड़ा। और यहाँ पे जितने भी संत हैं, माना जाता है यहाँ पे बाबा शेरों से भी बात करते थे। यहाँ पे वो अकेले रहते थे और कभी सभी यहाँ से सभी संतों की, भगवान की फोटो यहाँ रखी गई है। ये माना जाता है कि यहाँ पे बाबा शेर से बात करते थे, बोले ऐसा कहा जाता है कि शेर से बात करते थे बाबा। और काफी अच्छा, मैं थोड़ा ये कुटिया ऊपर, पंखे वंखे लगे हुए हैं, टीन सेट है। और हम चिल्लौर से निकल चुके थे झिरी के बाद, हमको अभी थोड़ा सही रास्ता मिला है। यहाँ चिल्लौर से हम लगभग 35 किलोमीटर आ चुके हैं, क्योंकि रास्ते में घाट भी बहुत सारे थे। और यहाँ से अब आशापुर, ये पेड़ की छांव में, बड़ी हमको पेड़ की छांव दिखी, एक स्थान है वही बाबा का जहाँ पर हम रुके हुए। ये हमारी साइकिल, उन सब स्टैंड इनके काम नहीं कर रहे हैं, वजन है तो इन पे थोड़ा सा लोड आ रहा है स्टैंडों पे, इसलिए ये इनको आड़ी कर रखा है हमने। और ये बढ़िया नीम की छांव, और ये बाबा विश्राम कर रहे हैं। यहाँ से आशापुर 23 किलोमीटर है, हमारा स्टे आशापुर के बाद ही रहेगा। अब ये नीम की बड़ी घिया घनी छांव है, इसमें थोड़ा थक गए थे, भूख भी लग गई थी तो रुक गए, बढ़िया मस्त ठंडी छांव में। ठंडी छांव में नीम की आनंद ही है यार, क्या। ये बैठो यहाँ, ये हमारा चूड़ा सेब, एक सेब उनने खाया, एक सेब मैंने खाया, तीन थे। भगवान कैसे, ये देखो भाई भगवान, बढ़िया छांव नीम की। ये इधर लहराते भुट्टे तोड़े क्या है, भुट्टे लगे हुए हैं भैया कोई खेत। चलो मिलते हैं फिर आशापुर के बाद, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बताएं नीचे कमेंट में कि भैया कैसी लगी वीडियो।